पायलट संबोधित कर रहे हैं। पहले किसी को पूरा नहीं किया, यही कारण था कि तीन राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आप लोगों की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है। इस देश में जो तानाशाही माहौल बना है, सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने का जो माहौल बना है, उसके विरोध में, नौजवानों की भलाई में, किसानों की समृद्धि में, मां बहनों की सुरक्षा में अपना भविष्य अगर पाना है तो कांग्रेस पार्टी को आपको जिताना है। इस जिले ने, इस क्षेत्र ने हमेशा हमको साथ दिया। 5 साल तक पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, इसी की वजह से आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का कि आपके नेतृत्व में हम सब लोगों ने सड़कों पर संघर्ष कर इन तीन राज्यों में सरकारें बनाई हैं। अब 23 मई को जब परिणाम आएंगे तो कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार इस देश में बनने जा रही है। जुमले वाले लोग, झूठे वादे करने वाले लोग, इनकी कहानी बहुत लंबी नहीं चलेगी। आज हमें बहुत सभाएं करनी है, लेकिन इस जिले की पावन धरती पर राहुल गांधी जी पधारे हैं। मैं चाहता हूं आप सब लोग जोरदार तालियां बजाकर राहुल गांधी जी का स्वागत करें और अपना कीमती और बहुमूल्य वोट संजय जाटव जी को दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।